अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पैराग्राफ सेक्शन की तरफ। इस पैराग्राफ सेक्शन में नंबर लिस्टिंग होती है, बुलेट लिस्टिंग होती है, मल्टी लिस्टिंग होती है, कुछ अलाइनमेंट्स हैं और स्पेसिंग होती है, लाइन स्पेसिंग होती है, पैराग्राफ स्पेसिंग होती है और एक सॉर्टिंग का फंक्शन है। इन चीज़ों को हम आज कवर करेंगे। लास्ट सेक्शन में हमने इस फॉन्ट फैमिली, फॉर्मेटिंग टूल बार को कंप्लीट कवर कर लिया था, तो आज उसकी वीडियो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप वो भी देख लीजिएगा। इससे आपके जो मेन पेज की सारी जो वो स्टैंडर्ड मेन्यू बार्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे कुछ बना के रखे हैं। ये अभी हम आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हम इनको बुलेट में और नंबर लिस्ट में शो करके देखते हैं। तो सबसे पहले जी इनपुट डिवाइसेस को हम बोल्ड कर लेते हैं। बोल्ड करने की आपको बताएगी है कंट्रोल बी, तो ये बोल्ड हो गया। अब इनपुट डिवाइसेस हैं माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर, इनको मैंने सेलेक्ट किया है ऐसे। और सेलेक्ट करने के बाद इस हिस्से पे, ये बुलेट का हिस्सा है, इस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो आप उसके ऊपर देख रहे हैं बुलेट लग चुके हैं। अपनी मर्जी से कोई भी बुलेट इस पर लगा सकते हैं, ये जो भी ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे आप बुलेट लगा सकते हैं और बुलेट उस पर लग जाएगा। उसके बाद है जी आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस को मैंने बोल्ड किया, ये है जी आउटपुट डिवाइसेस। इन पे नंबरिंग देखते हैं जी, ये देख रहे हैं मुख्तलिफ तरह की नंबर। मैंने जैसे नंबरिंग पे क्लिक किया वो आउटपुट डिवाइसेस पीछे देख सकते हैं नंबर्ड हो चुकी हैं, ब्रैकेट के साथ अलहदा हैं, ABC में अलहदा हैं, रोमन में अलहदा है। आप जैसी नंबरिंग चाहें वैसी नंबरिंग हो सकती है, बुलेट भी हो सकती है, नंबरिंग भी हो सकती है। उसके बाद आते हैं जी मल्टी लेवल लिस्टिंग में। मीन्स के एक का डायरेक्ट लिंक तो नहीं होता, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली लिंक होता है, ठीक है। तो इस पे सब पे क्लिक करेंगे और मल्टी लेवल लिस्टिंग पे क्लिक कर देंगे। अब मल्टी लेवल लिस्टिंग पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं, पहले एजुकेशन सिस्टम को बोर्ड कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्कूल्स में 9th क्लास होती है, 10th होती है, टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, स्कूल में तो ये होते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका एजुकेशन सिस्टम से ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक स्कूल से है। तो इसका 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए था, 1.1, 1.2, 1.3, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल की लिस्ट में आता है। तो इसको स्कूल की लिस्ट में भेजने के लिए क्या करना है, इस प्रिंसिपल से लेकर इस 9th क्लास तक के सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसको इंक्रीज इंटेंट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि स्कूल के हिस्से में वो आ गया, 1.1 में शो हो रहा है। इस तरह कॉलेजेस में आ गए तो कॉलेजेस में इंटर होता है मेडिकल, FSC, इंजीनियरिंग, FA, ICS, लेक्चरर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। अब इस मैंने इससे को किया सेलेक्ट और इसको भी राइट इंटेंड कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इंटर प्री मेडिकल, इंजीनियरिंग, FA, ICS, लेक्चरर्स हो, ठीक है। अब लेकिन ये भी कॉलेजेस के अंदर डायरेक्टली मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं होती, कॉलेजेस तो इंटर करवाते हैं। अब इसका मतलब ये है इंटर में आगे FA, ICS, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये इंटर के आगे सब कैटेगरीज है। तो मैं इस ICS, FA में इन इस हिस्से ने इंटर के लिस्टिंग में आना है। इसको मज़ीद मैं राइट एंड एंड करूँगा तो आप देख सकते हैं कि वो 2.11 के साथ इंटर की कैटेगरी के अंदर आ गया। तो कॉलेज में इंटर आया, लेक्चरर्स आए, बोर्ड ऑफ एग्ज़ाम जो है, ठीक है। तो इस तरह लिस्टिंग की मज़ीद सब लिस्टिंग भी आप कर सकते हैं। तो इसका सिंपल वे ये है, पहले आपने मल्टी लिस्टिंग पे क्लिक करना है और उसके बाद उसको राइट इंटेंड कर देना है। आप चाहते हैं कि आप उसको राइट इंटेंड ना करें, वापस लेके जाना चाहते हैं, जस्ट आप उसको पीछे कर देंगे तो वो वापस अपनी हालत में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे हम पैराग्राफ स्पेसिंग के ऊपर, पैराग्राफ स्पेसिंग के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू करता हूँ कि ये आपने सिंपल सी कमांड देनी है, इक्वल लॉरम स्टार्टिंग ब्रैकेट एंडिंग ब्रैकेट और इंटर के बटन प्रेस करना है, तो इस जो ऊपर डमी पैराग्राफ आया है वो पैराग्राफ आ जाएगा जैसे दोबारा से आ गया, ठीक है। अब हम स्पेसिंग कैसे करते हैं जी, ये देखें इन दो तीन लाइनों में जो स्पेस है इनको सेलेक्ट किया मैंने और इस पे आ जाए। 1.5 का स्पेस है जी, 1.0 किया, देखें उसका स्पेस कम हो गया, अब फिर बढ़ गया, कम हो रहा है, बढ़ गया, अब 1.5 का स्पेस और बढ़ गया, लाइनों में जो स्पेस है वो बढ़ता जा रहा है। अब इसको 1.0 कर देंगे, स्पेस कम से कम हो जाएगा, तो 1.15 एक रीजनेबल स्पेस होता है जिसको हम प्रेफर करते हैं। अच्छा, इस तरह ही इसके अंदर पैराग्राफ स्पेसिंग भी है,
ये पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है, ये दूसरा पैराग्राफ शुरू हो रहा है। इस पैराग्राफ को इसके साथ सेट किया तो मैं इसकी रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर दिया और बिफोर पैराग्राफ कर दिया, ठीक है। ऐड स्पेस है, ये स्पेस ऐड की, ये रिमूव की। तो जैसे मैंने रिमूव की तो आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ की स्पेसिंग ख़त्म हो गई है। जो पैराग्राफ में इतना बड़ा स्पेस आ रहा था वो ख़त्म हो गया। मैं कंट्रोल जी से अंडू करता हूँ, वापस आया और मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ कि रिमूव स्पेस, रिमूव स्पेस पे क्लिक किया तो वो वापस सारा आ चुका है। इस तरह आप इस सारे के पैराग्राफ स्पेसिंग को भी क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो ऐसे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है कि लेफ्ट साइड से कर्सर मूव करता है। इससे कर देंगे तो जो स्क्रिप्टिंग होगी वो राइट साइड से होगी, ठीक है। ये उर्दू के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा तो वो उस तरह राइट साइड से लिखा जा रहा है। इस पे क्लिक कर दूंगा तो स्क्रिप्टिंग लेफ्ट साइड से शुरू हो जाएगी, यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी हम सॉर्ट, इस चले सॉर्ट पे आ जाते हैं। सॉर्ट के अंदर मैं कुछ नंबर्स दिखाता हूँ आपको। अब ये नंबर्स मैं सॉर्ट करके दिखाता हूँ, ये सारे नंबर सेलेक्ट किए हमने, सॉरी, और इन पे सॉर्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं 22, 33, 55 सारे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुके हैं। इस तरह आप अल्फ़ाबेट भी सॉर्ट कर सकते हैं, मींस के ए, हाँ ए से अगर मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले जी आना चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देते हैं इसको। और ये देखें, डिसेंडिंग ऑर्डर में किया तो सबसे पहले बड़ी वैल्यू आ गई, फिर छोटी आ गई, जी सबसे पहले और एस एस के उसने क्या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में उनको चेंज कर दिया। इसका ज़्यादा काम नंबर्स में होता है, नंबर में हम एक्सेल को यूज़ करते हुए इस सॉर्टिंग के फंक्शन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जी आप एक लाइन को, जिस तरह हाईलाइटर का काम था, एक इस पैराग्राफ को आप कुछ रंग देना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रंग दे सकते हैं। जैसे मैंने इस पे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं जो भी कलर मैं दे रहा हूँ वो उसने उसका कलर क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर, ठीक है। इससे आप उनको कलर्स भी दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, इंशाल्लाह मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर। अल्लाह हाफिज़।